नमस्कार, आपका स्वागत है WWE न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंज को WWE द्वारा मंडे नाइट रो के लिए एडवर्टाइज क्यों किया जा रहा है। क्या मंडे नाइट रो की रेटिंग्स में इतनी कमी आ गई है कि उसे बढ़ाने के लिए बार बार रोमन रेंज या फिर पुराने WWE लीजेंड्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो पूरी खबर जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, रोमन रेंज WWE के ड्राफ्ट के जरिए स्मैकडाउन में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 29 नवंबर 2021 की मंडे नाइट रो के लिए WWE द्वारा एडवर्टाइज किया जा रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों आखिर रोमन रेंज को मंडे नाइट रो के लिए एडवर्टाइज किया जा रहा है जबकि उन्हें स्मैकडाउन में ड्राफ्ट किया जा चुका है। क्या रो की रेटिंग्स सचमुच इतनी कम हो गई है कि WWE को बार बार रोमन रेंज की ज़रूरत पड़ रही है। दरअसल, रोमन रेंज को 29 नवंबर को होने वाली मंडे नाइट रो के लिए WWE द्वारा एडवर्टाइज किया जा रहा है। इसके पीछे का बड़ा कारण, ऑल इलाइट रेसलिंग का शो मंडे नाइट रो से ठीक 9 दिन बाद उसी जगह होने वाला है जहां पर रो का ये एपिसोड होगा। ऐसे में WWE और ऑल एलिट रेसलिंग में टिकट सेलिंग के लिए ज़बरदस्त कंपटीशन शुरू होने वाला है और WWE इसमें कहीं भी पिछड़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वैसे भी मंडे नाइट रो की रेटिंग्स की हालत इस वक्त काफ़ी ख़राब है और सिर्फ मंडे नाइट रो के जरिए ऑल एलिट रेसलिंग को इस इवेंट में पिछाड़ना WWE के बस की बात नहीं है। इसलिए रोमन रेंज को एडवर्टाइज करके WWE इस इवेंट के लिए टिकट सेलिंग को बढ़ाना चाहती है और ब्रोक लेसनर WWE के इस वक्त फ्री एजेंट है। ऐसे में इस इवेंट में रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर भी आमने सामने हो सकते हैं। दोस्तों, मंडे नाइट रो में टॉप लेवल के सुपरस्टार्स की कमी और कुछ वक्त से बेहतरीन स्टोरी लाइन ना मिलने की वजह से रेटिंग्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। रो की खराब रेटिंग्स की वजह से पिछले कुछ समय से वैसे भी WWE को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब प्रोफेशनल रेसलिंग में एक पुरानी कंपनी होने की वजह से WWE की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। अगर इस वक्त भी WWE AEW से पिछड़ जाती है तो WWE की छवि को प्रोफेशनल रेसलिंग जगत पर यह काफ़ी बुरा इम्पैक्ट करने वाला है। इसलिए किसी भी तरह से WWE अपने शो की रेटिंग को बरकरार रखना चाहती है और AEW को इस मामले में बराबरी नहीं करने देना चाहती है। एक बात से WWE को आने वाले समय में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और वह है WWE को रेटिंग्स के लिए किसी एक सुपरस्टार पर डिपेंड होना। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि WWE को जब भी अपने किसी इवेंट की रेटिंग्स को बढ़ाना है तो उसे काफ़ी कुछ रोमन रेंज पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो दोस्तों, आपके क्या है ओपिनियन कि आखिर रोमन रेंज को स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होने के बावजूद मंडे नाइट रो के लिए एडवर्टाइज क्यों किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।